नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रत्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 5 इयर्स कोर्स में आपका जो अगला पेपर है फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में आपका अगला पेपर हिस्ट्री का है, हिस्ट्री 2 का। और मुख्यतः इसमें लीगल हिस्ट्री पढ़नी होती है, जिसमें पहले यूनिट में आपको लीगल सिस्टम पढ़ना होता है एंशियंट इंडिया का और मेडिवल इंडिया का। एंशियंट इंडिया में और मेडिवल इंडिया में जो भी विधिक व्यवस्थाएं थी उनको लेकर के आपको पढ़ना है। दूसरी यूनिट में आपको जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया था उसके डेवलपमेंट को लेकर के पढ़ना है। ढेर सारे चार्टर हैं, बहुत लेंदी सिलेबस है और ये वीडियो भी एक रिकैप की तरह है। इसमें कुछ मैं बहुत लंबा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे जिस पर उम्मीद है कि सवाल आए। तीसरी यूनिट जो आपकी है वो जो लॉ की और लीगल इंस्टीट्यूशंस की इंडिया में जो डेवलपमेंट है, जो इवोल्यूशन है, कैसे हुई थी, कहाँ से शुरू हुआ था, हाई कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, सुप्रीम कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, लॉ कमीशन के विषय में थोड़ा सा है, प्रिवी काउंसिल को लेकर के, फेडरल कोर्ट के विषय में आपको पढ़ना होता है, और ब्रिटिश लीगल सिस्टम में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ब्लैक व्हाइट का कह लीजिए या किसी प्रकार का भी भेद होता था, उसको लेकर के आपको पढ़ना है। और जो चौथी यूनिट है हमारा, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो जहां से ढेर सारी चीजें ली गई हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हो या इंडियन काउंसिल एक्ट हो 1861, 1962 और 1909 का, जो आपके सिलेबस के लिहाज से बहुत जरूरी है और आपके इंडियन पॉलिटी के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के जो आपका सिलेबस है वो इन चारों यूनिट का यहाँ पर है। सवालों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो लीगल लिटरेचर एंशिएंट इंडिया के थे वो सारे के सारे आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और मनु हुए, नारद हुए, इन सब के विषय में आपको पढ़ना है। जैसे पहली लाइन जो हम पढ़ते हैं कि लीगल लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें आपको वेदों के विषय में पढ़ना होता है। हमने कुल मिलाकर के उस सवाल का मौजू ये रहता है, उस सवाल का मतलब ये रहता है पूछने का कि हमने जो सबसे ज्यादा चीजें अडॉप्ट करी हैं, हमने वो चीजें कहाँ से अडॉप्ट की हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने 18वीं शताब्दी से या 19वीं शताब्दी से कानून बनाना शुरू किया। हमारे बहुत सारे कानूनों पर ऐसी छाप है जो नारद की कही गई बात, मनु की कही गई बात, कौटिल्य की कही गई बात है। तो वहां पे जो आपके लिए वेदाज हैं, धर्मशास्त्र हैं, धर्मसूत्र हैं, अर्थशास्त्र वगैरह, ही सब के लिए बहुत जरूरी है, इसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। मनु, याज्ञवल्क्य, के नारद, बृहस्पति, इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा सा ये देखिएगा कि इनकी जो कही गई बात है, चाहे वो अथर्ववेद में लिखी हो, चाहे ऋग्वेद में लिखी हो, कहीं भी लिखी हो, वो चीजें कहां से लेकर के और हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कहां पर अडॉप्ट की गई है, कहां पर लेकर के आने का काम हुआ है, वो चीज देख लीजिएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो इस्लामिक लॉ है वो आपके लिए भी जरूरी पड़ जाता है, और इस्लामिक क्रिमिनल लॉ जो है, इस्लामिक लॉ का जो जो क्रिमिनल वाला हिस्सा है और जो सक्सेशन वाला हिस्सा है, वो दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तराधिकार के जो नियम कायदे हैं और जो इस्लामिक आपराधिक विधि है, उन दोनों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उन दोनों में क्या व्यवस्थाएं थी, उन सभी को कायदे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए वो जरूरी है। उसके बाद जैसे उसी में आपको एक चीज और है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रशासन का विभाजन था, चरण वाइज कह लीजिए, या सबसे छोटे अधिकारी से सबसे ऊपर के अधिकारी को बोल दीजिए, उसकी जो उसका जो बंटवारा करने की जो पद्धति थी, उन सबको कायदे से देख लीजिएगा। आपके लिए जो चार्टर हैं, चार्टर में आपके जो 1661, 1753 ये सारे के सारे चार्टर बहुत जरूरी है। खैर, कहना बड़ा आसान है कि तीनों बड़े जरूरी हैं, पढ़ना आपको, मैं जानता हूँ पढ़ने में बड़ी दिक्कत भी होती है, बड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन प्रयास ये करिएगा कि किसी भी चार्टर को आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इस चार्टर को छोड़ के आप कोई और चार्टर पढ़ रहे हैं, वो भी आ जाए, तो उस चार्टर में से वो मुख्य बिंदु नोट करिएगा, वो मुख्य बिंदु लिखने का प्रयास कीजिएगा कि जिस चार्टर से वो वाली बात लेकर के हम आज के डेट में वो चीज आज एग्जिस्ट करती हो, या आज में जो कानून लागू है वो कहीं ना कहीं उस बिंदु से, उस चार्टर की चीज से प्रभावित हो, तो वो चार्टर के विषय में आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद की बात अगर करें तो जो आपके लिए जरूरी है, एक तो जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो वॉरेन हेस्टिंग्स के हों, चाहे वो कर्जन के हों, चाहे कार्नवालिस के हों, किस प्रकार से जो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए, किस प्रकार से जो ये विधिक न्यायिक सुधार हुए, और जो पुरानी कहें तो कुछ ऐसी विसंगतियां थी, सती प्रथा वगैरह का जो उन्मूलन हुआ वो किसके रजीम में हुआ, किसके समय में हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ, और किस प्रकार से उनका उसका उन्मूलन करने में उन लोगों का योगदान रहा, विलियम बेंटिक वगैरह का योगदान रहा, राजा राममोहन राय जी का योगदान रहा, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो पर्सनल लॉ का डेवलपमेंट है, पर्सनल लॉ के डेवलपमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, और जो पर्सनल लॉ की बात है, आपके लिए पर्सनल लॉज का डेवलपमेंट भी जरूरी है, और जो लॉ कमीशन के पहले का लॉ कमीशन आप जानते हैं, समय समय पर लॉ कमीशन बना करके, विधि आयोग बना करके उनकी रिकमेंडेशंस ली जाती रही हैं ऐसे बर्निंग इश्यूज पे, ज्वलंत मुद्दों पर, कि जिन पर कुछ नया कानून बनना या उस पर एक नई अप्रोच लाना सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है, लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को फॉलो करती है, ओबे करती है।
तो प्रयास ये कीजिएगा कि पहले लॉ कमीशन के द्वारा, दूसरे लॉ कमीशन के द्वारा क्या ऐसी रिकमेंडेशंस की गई थी जो उस दौर में बहुत ही जरूरी रिकमेंडेशंस थी और जिनको फॉलो किया गया, जिनका पालन किया गया और वो चीज आज सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चल रही है। हाईकोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा, और जिस समय आप हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं उस समय थोड़ा सा मेयर कोर्ट जो प्रेसिडेंसी कोर्ट से लेकर के, और एक अगर ग्राफ की तरह पढ़ लें, अगर एक टाइम पीरियड की तरह पढ़ लें कि इस समय से इस समय तक ये एग्जिस्ट कर रही थी हायर कोर्ट की तरह, और बाद में जो हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस पद्धति से हुआ वो, और वहीं पर जो थोड़ा बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, 1892 का, 1909 का, वो इंडियन काउंसिल एक्ट आपके लिए जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से काफी सारी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं। एक दो बार सवाल ऐसे भी आया है कि भारतीय संविधान में, वर्तमान संविधान में जो सबसे अधिक भाग लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम का, वो कौन कौन से बिंदु हैं जो वहां से यहां पर लाए गए हैं, या कहें तो कौन कौन से ऐसे बिंदु जो हूबहू वहां से यहां लाए गए हैं, तो वो वाली चीजें देख लीजिएगा। मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड के विषय में पढ़ लीजिएगा कि क्या उनके सुधार थे, हमने सुधार की पहले बात करी है वो सुधार देख लीजिएगा। और जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, जिसके आने से और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग है, जो हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया है, वो लगातार एक जुड़ा हुआ कनेक्टेड एक प्रक्रिया थी, और एक लगातार वो कनेक्टेड एक सतत कहें तो टाइम पीरियड के अंतर्गत जो चीज़ें हुई थी 1947 वाले उस एक्ट से लेकर के और हमारे संविधान बनने तक को, उसको थोड़ा सा चार्ट के मुताबिक या ग्राफ के मुताबिक डेट्स को लेकर के पढ़ लीजिएगा कायदे से। थोड़े से उलझाने वाले आपको कई सारे चार्टर हैं, कई सारे एक्ट हैं, तो उसमें उलझना नहीं है, प्रयास ये करना है कि किसी भी चार्टर के विषय में सबसे पहले एक लाइन में दो लाइन में ये नोट कर लीजिए कि उस चार्टर में या उस एक्ट में मुख्य रूप से अंग्रेजी हुकूमत हमसे क्या कहना चाह रही थी, या हमारे ऊपर क्या पाबंदी लगाई जा रही थी, या हमें क्या आज़ादी मिल रही थी, या हमारे लिए क्या विशेष उपबंध किए जा रहे थे। चार्टर में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं लेकिन मुख्य बातें कुछ एक से दो ही हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही थी या कहीं ना कहीं हमें कुछ स्वतंत्रता दे रही थी। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ये वीडियो बहुत देर में आया इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले वीडियो से प्रयास करेंगे कि जल्दी हम आपसे जुड़ जाए करें। धन्यवाद, प्रणाम।